मगध, ज्ञान, केंद्र, नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। और आज हम ट्रांसलेशन सीरीज को, ट्रांसलेशन सीरीज ऑन कंजंक्शन को आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं आपसे। कहते हैं एक तरफ, ध्यान से सुनिएगा, एक तरफ जहां कई बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि किताबें शिक्षकों का स्थान नहीं ले सकती है, वहीं दूसरी तरफ बच्चे या छात्र शिक्षकों की अनुपस्थिति को किताबों से पूरा कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। कहते हैं क्या कि ऑन द वन हैंड सेवरल इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी लोग, ऑन द वन हैंड सेवरल इंटेलेक्चुअल्स से दैट बुक्स नेवर रिप्लेस टीचर्स, बुक्स नेवर रिप्लेस टीचर्स, ऑन द अदर हैंड इन द एब्सेंस ऑफ टीचर्स, ऑन द अदर हैंड इन द एब्सेंस ऑफ टीचर्स स्टूडेंट्स कैन टेक बेनिफिट्स ऑफ बुक्स। इसीलिए किताबें जरूर पढ़िए। तो आपके सामने मैं एक किताब की बात करने आया हूं कि सौर्य पुस्तकालय और जगदीशपुर पुस्तकालय में यह किताब उपलब्ध करा दिया गया है। किताब का नाम है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, कि अंग्रेजी में कैसे हम इसका अनुवाद करें। यह किताब भारती भवन का है और इसके लेखक हैं आर पी सिन्हा। इस किताब को बड़े आराम से आप पढ़ सकते हैं। ये किताब मुझे पूरी तरह याद है और इसी किताब से आप लोगों को धीरे धीरे करके मैं बताते रहता हूं। तो यहां पर हम लेकर के आए हैं ट्रांसलेशन सीरीज में जो आगे, तो इसी किताब से आप पढ़िए, इसे खुद पढ़िए, पुस्तकालय में जाके बैठ करके पढ़िए। दिक्कत हो हमें कमेंट करिए, हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो देखिए, हम कंजंक्शन सीरीज में आगे लेकर के आए थे, मैं घर से निकला ही था कि वर्षा होने लगी, मैं घर से निकला ही था। तो आपको बताए हैं हार्डली स्कार्सली के बाद वेन आता है, वेन, WHEN। तो मैं घर से निकला ही था, कैसे बनाएंगे इसको, हार्डली हैड आई कम आउट फ्रॉम हाउस, हार्डली हैड आई कम आउट फ्रॉम हाउस। इट, अब इट देने के पहले आपको वेन लगाना होगा, वेन इट बिगैन टू रेन, वेन इट बिगैन टू रेन, वर्षा होने लगी। ध्यान देने वाली बात क्या है, ग्रामर की बात करेंगे तो हार्डली स्कार्सली के बाद वेन आता है। यदि हम टेंस की बात करेंगे तो जब दो क्रियाएं पास्ट में हो तो जो पहले हो रहा है, पहले हुआ है, उसे पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट में। मैं घर से निकला ही था कि वर्षा होने लगी, तो घर से निकलना मेरा पहले हुआ और उसके बाद में वर्षा होने लगी। लेकिन हाँ, इसमें अंतराल बहुत, दोनों क्रिया के बीच में अंतराल बहुत नहीं होता है, बहुत स्लाइटली अंतर होता है। एज सुन एज वाले के तरफ, ज्यों ही शिक्षक कमरे में प्रवेश किए लड़के खड़े हो गए, तो उसी तरह से मैं घर से निकला ही था कि बारिश होने लगी। इसी तरह से घर में चोर घुसा ही था कि मैं जाग गया, घर में चोर घुसा ही था कि मैं जाग गया। तो इसी तरह से हार्डली हैड, द थीफ, ए थीफ, ए कर लीजिए इसको, हार्डली हैड अ थीफ एंटर्ड
द हाउस हार्डली हैड अ थीफ एंटर्ड द हाउस व्हेन घुसा ही था कि मैं जाग गया. आई वॉक अप. तो कहता क्या है कि हार्डली स्कार्सली के बाद वेन आता है, और हार्डली स्कार्सली जब शुरू में लगे होते हैं, एक और टेक्निकल समझिएगा इन्वर्सन, हार्डली स्कार्सली जब वाक्य के शुरू में लगे होते हैं तो ऑक्सिलियरी वर्ब जो हैड है सब्जेक्ट के पहले आता है, लेकिन लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं बल्कि फुल स्टॉप आता है, क्योंकि इसे इन्वर्सन कहते हैं. उसे लंदन गए 5 वर्ष बीत गए. ध्यान देने वाली बात है इसमें, उसे लंदन गए 5 वर्ष बीत गए. उसे लंदन गए 5 वर्ष बीत गए हैं. दोनों वाक्यों में अंतर क्या है कि बीत गए पास्ट इंडेफिनिट में है, अब बीत गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट में है. आ ए ई पास्ट इंडेफिनिट और या है, ये है, यी है प्रेजेंट परफेक्ट. अब इसमें देखिए बड़ा मजेदार है, आप समझिएगा टेक्निकल, कि यदि पास्ट इंडेफिनिट में है तो दैट कंजंक्शन आएगा, और यदि प्रेजेंट परफेक्ट में है तो सिंस आएगा. कैसे वो देखिए, उसे लंदन गए 5 वर्ष बीत गए, तो 5 वर्ष बीत गए, इट वॉज 5 ईयर्स. अब इसमें अगो लगाएंगे और फिर दैट लगाएंगे. इट वॉज 5 ईयर्स अगो दैट ही वेंट टू लंदन. वेंट टू लंदन, यहां पर देखेंगे उसे लंदन गए 5 वर्ष बीत गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट. कैसे, इट इज 5 ईयर्स सिंस ही वेंट टू लंदन. तो ये इट से बनाएंगे तो प्रेजेंट के रूप में रहेगा, और ऐसे नहीं तो 5 ईयर्स हैव पास्ट. 5 ईयर्स हैव पास्ट सिंस ही वेंट टू लंदन. सिंस ही वेंट टू लंदन. अब देखिए ये सारे वाक्यों को आप खुद से प्रैक्टिस करिए, और इसी के आधार पर आप खुद अपने तरह का वाक्य चुनिए. यदि इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें, मीनिंग पूछें, और व्हाट्सएप नंबर जो है 9530906969 इस पे आप वर्ड मीनिंग पूछ सकते हैं यदि आप लोगों को दिक्कत हो तो. ऐसे तो लाइब्रेरी में डिक्शनरी भी है, हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी है, आपको हिंदी टू इंग्लिश में कोई परेशानी हो तो डिक्शनरी कंसल्ट करिए. सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, याद रखिएगा. अगला ट्रांसलेशन क्या है, वे या वे लोग कितना भी चिल्लाएं, वे लोग कितना भी चिल्लाएं मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा. यही आज के डेट में हो रहा है, जनता कितना भी चिल्लाए नेतागण नहीं सुनते हैं, ये ध्यान रखिएगा. वे लोग कितना भी चिल्लाएं मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा. हाउएवर मच ही मे क्राई, हाउएवर मच ही मे क्राई, आई विल नॉट. यहां दे लगाएंगे, वे लोग हैं. हाउएवर मच दे मे क्राई, आई विल नॉट लिसन टू देम. ध्यान देना, वे लोग कितना भी चिल्लाएं मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा. हाउएवर मच दे मे क्राई, आई विल नॉट लिसन टू देम. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. ऐसे ही मगध ज्ञान केंद्र के साथ बने रहिए, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें.
सौर्य पुस्तकालय और जगदीशपुर पुस्तकालय का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। जय हिंद।